जदयू के द्वारा 26 नवंबर को भीम संसद का आयोजन किया जा रहा है। आपको बताते चले कि जदयू के तमाम जो नेता है भीम संसद के द्वारा दलित समाज को जोड़ने में लगे हैं। वही अब यानी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साफ साफ जदयू को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया। साफ साफ कह रहे हैं कि जदयू टूटेगी और जदयू को तोड़ने में आरजेडी लगी हुई है। आपको बताते चले कि लगातार जो है जदयू को लेकर के बीजेपी हमलावर रहती है। लगातार बीजेपी के द्वारा कहा जाता है कि जदयू टूट जाएगी, लेकिन जदयू के तमाम जो नेता है नीतीश कुमार हैं हमेशा खंडित कर देते हैं इस बात को कि नहीं, जदयू के सब लोग ठीक हैं। और जिस तरीके से कल जो है भीम संसद का आयोजन कराया जा रहा है उसको लेकर के जो है जदयू लगातार जो है लोगों को जोड़ने में जुटी हुई है। तमाम जो नेता है लोगों को भीम संसद के द्वारा दलितों को साधने में जुटे हैं। उसी बीच यानी बीजेपी के नेता ने साफ साफ कह दिया कि जदयू खंडित हो जाएगी और उसको लिए आरजेडी पूरी तरीके से जुट गई है। सुनिए क्या कुछ करें नित्यानंद राय। झांसी की रानी को अपने महल से निकलकर अंग्रेजों से बचने के लिए जब निकली तो उस समय महारानी के रूप में लड़ते हुए झलकारी पाई गई, तो वीरता दिखाई है। भारत और भारतवासी हमेशा उनके सामने नतमस्तक रहेगा और आज यहाँ के माध्यम से हम उनको नतमस्तक होकर साधन करते हैं। भले विभाग की राजनीतिक नया मोड़ लेने वाला है, जब ये टूटने वाला क्या होने वाला है, एक नया मोड़ लेगा बिहार की राजनीति। और जदयू खंड 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 होगा और जदयू के लोग बैठ कर जीत जाएंगे। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां, कुछ लेकर ललन जी जाने वाले, कुछ लेकर विजेंद्र यादव जी जाने वाले और उनके जितने नेता हैं सब कुछ ना कुछ लेकर चले जाने वाले हैं और जाकर तेजस्वी के सामने उस वैसे विधायक के टूट कर जाएंगे तेजस्वी के गुलदस्ते में सज मनवाने। यानी जदयू टूटेगी, आरजेडी तोड़ने में लग गई है। मैं आपको बता रहा हूं, आप सबको ही पता है, आप लोग बोलते नहीं, हम बोल देते हैं। अंतर इतना ही कि हम बोल रहे हैं, पता सबको है, कोई बोलता नहीं। और नीतीश जी की जो यह स्थिति बनी हुई है कि वह किस समय आपा खोते हैं, किस समय गुस्सा में आते हैं, किस समय बात को भूल जाते हैं, किस समय हमारी मां बहनों को अपमानित कर देते हैं, किस तरह से महादलित के नेता जीतन राम राव मांझी जी को कभी अपमानित करते हैं, न जाने कभी किसी अधिकारियों के सामने नतमस्तक होते हैं तो कभी किसी के घर पे चले जाते हैं। अब विषय उनका है उस पर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतने दबाव में है स्वाभाविक है किसी व्यक्ति अपना आपात को देगा और मानसिक स्थिति उसकी खराब हो जाएगी। और आज उस स्थिति से हमारे नीतीश जी गुजर, नीतीश जी आपने तो भाजपा को धोखा दे दिया, बिहार को धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी आपको कंधे पे बैठाई सर पे भी बैठा ली और सर पर जितना बैठाकर आपको बिहार के हित में मुख्यमंत्री बनाई, शायद यह भारतीय जनता पार्टी का हक था कि जब आरजेडी की सरकार से जब लोग त्राही मांग कर रहे थे उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बिहार के लिए, बिहार के हक के लिए, बिहार के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी, तो आपने तो धोखा दिया। लेकिन अब आप बिहार से बिल्कुल साफ होने जा रहे हैं, आप बिहार से जदयू साफ होने जा रहे हैं और आरजेडी का भी गुंजाइश अब नहीं है। 2024 में भी आरजेडी को अपना औकात पता चल जाएगा और 2025 में भी आरजेडी को औकात पता चल जाएगा। अब बिहार को भारतीय जनता पार्टी चाहिए, बिहार वासियों को भारतीय जनता पार्टी चाहिए और बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि हम बिहार में 2024 में हम 40 की 40 सीटों पर हम भाजपा सहित एनडीए को जिताएंगे और 200 से ज्यादा सीट पर हम 2025 में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। प्रधानमंत्री जी को हम कार्य करते
गरीब भाई को याद रखना, आप इंतजार कर रहे थे इस देश के गरीब, सदियों से इंतजार कर रहे थे कि कोई गरीब आएगा, गरीबों के घर में, गरीबों के आंगन में खुशी लाएगा, खुशियां लाएगा, आप इंतजार कर रहे थे। सदियों बाद गरीबों को एक गरीब का बेटा मिला प्रधानमंत्री के रूप में, जिसे आप मसीहा मानते हैं। हम घूमते हैं, गरीबों की आवाज है कि हमारे मसीहा नरेंद्र मोदी हैं, और उस गरीब के मसीहा को, नरेंद्र मोदी जी को, दुनिया के सबसे हमारे आदरणीय नेता को, जिन्होंने गरीब कल्याण की योजना चलाकर अपने विकास की गंगा को भगीरथ प्रयास। आपने सुना किस तरीके से नित्यानंद ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि जदयू को तोड़ने में आरजेडी लग गई है। आपको बताते चले, एक तरफ लगातार जो कहा जाता था कि ललन सिंह जो है हमेशा जो है बात को लीक करते हैं, नीतीश कुमार की यानी जदयू की बातों को लीक करने में लगे हुए हैं, आरजेडी से उनका संबंध है, तो कहीं ना कहीं साफ इसी को देखते हुए कहे तो जिस तरीके से नित्यानंद राय ने भी इशारों में नहीं पूरे ऐलान के साथ कह दिया है कि जदयू पूरी तरीके से टूट जाएगी और आरजेडी इसके पीछे लगी हुई है। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।